अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स दिस इज आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज आज का टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है तो बच्चों आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है ओके अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक तो हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं तो दोबारा हम रिपीट क्यों कर रहे हैं बच्चों पहले हमने इस टॉपिक को पढ़ा था और वहां पर कंसेप्ट इस्तेमाल किया था वर्क डन का वो आसान था लेकिन टॉपिक बहुत ज्यादा लेंथी हो गया था ठीक है तो आज का जो हमारा मेथड है वो थोड़ा उससे शार्ट है आज जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार को कैलकुलेट करेंगे इसमें कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का ओके okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का मतलब क्या होता है उसके बाद फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर पड़े हुए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है

पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बात समझे और इसको हम ऐसे लिखते हैं बीस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू से शो किया जाता है पर यूनिट चार्ज ठीक है ये आता जी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला इसको हम यू भी लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज ठीक है और ये वर्क कौन सा होता है जी इंफिनिटी से उस पॉइंट तक जहां तक आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना यानी यू समझ लीजिए इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक सही है अच्छा अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें जो बुक में दी गई है तो बुक में कहा जा रहा है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है इसके यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लो और उसको इन्फिनिटी से उठा के उस पॉइंट पर लाओ जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इसके लिए आपको जितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क जो है वो उसके बराबर इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा समझ गए अच्छा क्यों ऐसे बात क्यों कहेगी जरा बात गौर से सुनिएगा बच्चों आप सब जानते हो कि किसी भी फील्ड के अगेंस्ट एक बॉडी को मूव कराना है ना तो वो बॉडी खुद नहीं मूव करती आपको वर्क करना पड़ता है और आपका किया हुआ वर्क इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नजीव बॉडी में स्टोर हो जाता है सिंपल सी एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फील्ड ऊपर से नीचे है है ना आप नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर ले जाना चाहते हो क्या वो खुद जाएगा नहीं जाएगा आपको ले जाना पड़ेगा आपको वर्क करना पड़ेगा है ना तो आप नीचे से उस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जाते हो जितना आप उस पर वर्क करते हो वो वर्क इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नजीव बॉडी में स्टोर हो जाता है है ना? तो हमने क्या कभी एक चार्ज को इन्फिनिटी से आओ इन्फिनिटी से क्यों बोला पता है क्यों इन्फिनिटी पे जब एक चार्ज पड़ा होता ना उसके पास पहले से कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती जीरो पोटेंशियल एनर्जी है ना अब हम क्या करते हैं इन्फिनिटी से उठा के ना उसको लेके आते हैं इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है उसके अगेंस्ट चार्ज को मूव कराना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा और आपका किया हुआ वर्क ही इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसमें ऐड होगा पहले जीरो पोटेंशियल एनर्जी थी आपने जो वर्क किया दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसमें ऐड हो गया तो इस पॉइंट पर पड़े हुए यूनिट पॉजिटिव चार्ज के पास कितनी एनर्जी आई जितना आपने वर्क किया इंफिनिटी यहां तक लाते हुए इसीलिए हम कहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर आप एक चार्ज को जब लेके आएंगे इन्फिनिटी के पास तो उसके पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और वो कितनी होगी जितना आपने वर्क किया वो ही वर्क तो के बराबर ही पोटेंशियल एनर्जी होगी समझ गए ओके okay. तो ये वजह है हम उसको से क्यों लाते हैं राइट right? उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब हमने क्योंकि आज का जो टॉपिक है इसको हमने सीखना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट के कंसेप्ट से तो उसका फॉर्मूला आपको याद होगा वो क्या होता है हमारे पास ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर इसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लें या इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो डेल्टा बी जो है वो चेंज इन पोटेंशियल है और डेल्टा आर जो है वो हमारे पास क्या वो displacement है वो डिस्प्लेसमेंट है इज इट क्लियर अच्छा अब जरा बात ध्यान से सुनो इसका मतलब क्या कहिए क्या हमें रिलेशन बताता है देखो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर ये यह एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ऐसे और यहाँ पर एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है इस तरह से और ये पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास ये मैंने ऐसे तीन लाइन ड्रा कर लेता हूं right? राइट अब एक पॉजिटिव चार्ज होगा यहां पर कहीं पड़ा हुआ ऐसे अब कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा है ना तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी ठीक है और मान लीजिए ये क्या है ये यूनिट चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं मान लो इसके पास है जी इस वक्त टेन जाउल पोटेंशियल एनर्जी तो इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा टेन वोल्ट क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है टेन वोल्ट ठीक है उसको मैं वी ए कह देता हूं अब आप इस चार्ज को ना यहां से इधर लेके आओ ऐसे तो अगेंस्ट चार्ज को कराना है, तो वो खुद नहीं जाएगा। आपको वर्क करना पड़ता है और तो देखिए यहां, यहां से एक नई पोजिशन पर शिफ्ट कर दिया ऐसे तो पहले इसके पास टेन जोल पोटेंशियल एनर्जी ठीक थी। है तो अब इसके पास जो है क्या हो गया जी थर्टी जाउल की पोटेंशियल एनर्जी होगी समझ गए तो इस पॉइंट के पास जो है वो पड़ा हुआ जो यूनिट चार्ज है उसके पास कितनी जो एनर्जी है थर्टी जो तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा हमारे पास थर्टी वोल्ट इसको मैं वी बी से डिनोट करता हूं तो समझाना आपको ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप डिस्प्लेस करते हो तो उसके पोटेंशियल में चेंज आ जाता है अब वो पोटेंशियल में चेंज कितना आया है विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस ठीक है तो वो आपको ये रिलेशन बताता है ये देखिए चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ठीक है अब इसमें जो ई e है ना ई e, ये ई e क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये कॉन्स्टेंट होती है ये देख सकते हैं अब यहां पर कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये बात याद रखनी मैं आपको बताऊंगा फिर क्या करना है इसका अब आपको ये चीज समझ में आ गई अच्छे से समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक पॉइंट से चार्ज को दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस कराते हो तो उसके पोटेंशियल में चेंज आता है उसके पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले से वो कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है तो यहां से भी क्या करो आपको क्या करना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के अगेंस्ट द फील्ड इस पॉइंट पर लाना पड़ेगा पॉजिटिव यूनिट चार्ज को है ना तो उसके लिए फिर देखिए यहां से यहां लाते हुए आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड ठीक है तो इस दौरान चार्ज का जो पोटेंशियल है वो चेंज होगा लेकिन प्रॉब्लम यह है हम डायरेक्टली फॉर्मुला इस पर अप्लाई नहीं कर सकते पता है क्यों नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आएंगे ना तो इन्फिनटी से इधर आते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसा 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 जाए वो बढ़ती जा रही है ना डिस्टेंस कम होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मला पढ़ा था हमने ई इज इक्वल टू क्यू बाय फोर पाई एप्सल नाट आर का स्केल है ना ये आर अब ये कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट ये ये भी कॉन्स्टेंट तो ई का इनवर्स रिलेशन है आर के साथ आर क्या है इस चार्ज और यूनिट चार्ज के दरम्यान में फासला अगर वो फासला कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी फासला ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी है ना बात समझ लो तो फिर तो हमारे पास ये फील्ड यूनिफॉर्म ना रही तो हम ये सपोज कर लेते हैं हम ये सपोज़ करेंगे कि हम ये जो दूसरा पॉइंट है ना जहाँ से चार्ज को लेके आ रहे हैं वो इन्फिनिटी पर नहीं है वो बहुत इसके करीब है इसके बहुत करीब है इतना करीब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या हमारे पास यूनिफॉर्म है ऐसा मान के हम एक फार्मूला ड्राइव कर लेंगे मुकम्मल एक रिलेशन बना लेंगे उसके बाद फिर हम उसके अंदर मोडिफिकेशन करके उसको इनफिनिटी से यहां तक ले आएंगे समझ गए ओके इसलिए हमने क्या करना है जी इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला इस्तेमाल करना है E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा बाय डेल्टा R अब डेल्टा R क्या वो है वो तो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक आते हुए किया बाद? अच्छा ओके जी ओके okay. हमने कहा ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा करीब है ये बात याद रखनी तभी हम इस फॉर्मूले को इसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे ओके okay? अब हमने देखा जी जब हम एक चार्ज को एक पॉइंट 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 बी पॉण्ट से ए तक ला रहे हैं तो उसके पोटेंशियल में चेंज आएगा कितना पोटेंशियल में चेंज आया अगर वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप डेल्टा वी की वैल्यू इसमें से निकाल लीजिए डेल्टा वी आपके पास आ जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा आर के इक्वल ठीक है डेल्टा वी यानी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ए इंटू फोर इंटू डेल्टा आर ये डिस्प्लेसमेंट अच्छा अब डेल्टा वी जो है वो चेंज इन पोटेंशियल है चेंज इन पोटेंशियल क्या हमेशा जब भी चेंज निकालते हो तो फाइनल माइनस इनिशियल से निकालते हो फाइनल माइनस इनिशियल है ना तो इसमें देखिए इनिशियली इसका जो इस पॉइंट पर चार्ज पड़ा था तो उसका पोटेंशियल था वी बी जब यहां से इसको यहां पर पर ले आए तो इस पॉइंट पोटेंशियल आके हो गया वी ए तो फाइनल वी ए है और इनिशियल वी बी है फाइनल माइनस इनिशियल तो आप करेंगे वी ए माइनस वी बी इसकी जगह पर मैं लिखूंगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू माइनस ई इन टू डेल्टा आ जाएगा समझ गया अब ई e क्या यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर ये ये ठीक है यह, तो इसका होता है यहां पर पुट करूंगा मैं सो पाई एप्सिलॉन और यहां पर मेरे पास डेल्टा आर आ गया यहां पर मैं लिखूंगा इसके नीचे आर का स्क्वायर लिख देता हूं यहां पर अब ये आ गया मेरे पास डेल्टा आर ठीक है अब यह कितना बनता है देखें इनिशियल पोजिशन क्या थी इनिशियल यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इसका इस चार्ज है वो इतना था आर बी था फाइनली ये कितना हो गया आर ए है ना तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी आर ए माइनस आर बी करेंगे तो यहां पर आएगा जी आर ए माइनस आर बी ये आ गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट राइट अब यहां पर क्योंकि माइनस लिखा हुआ ना माइनस को इन साइड मल्टीप्लाई कर दो तो. जब माइनस को इन साइड मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा वर्क फ्रॉम पोटेंशियल सॉरी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन एन और यहां पर लिख दूंगा मैं जी आर बी माइनस आर ए आ जाएगा बात समझ में आ गई ओके तो यहां पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ठीक है ये और इसके नीचे लिखा है जी आर का स्केल अब देखिए यहां पर हमारे पास एक एक रिलेशन आ गई इसको मैं इक्वेशन वन कह देता हूँ सही है अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है यही रिलेशन हमें जो है वो पोटेंशियल देगा अब ये लिखा हुआ आर का स्केल ऊपर लिखा आर ए आर अब ये इसे कट नहीं सकता सिंप्लीफाई नहीं हो सकता हमने इस आर स्केल को ना मॉडिफाई करना है अब मैं जो स्टेप करूंगा ना मैं आपको पहले बता दूं उसका ताल्लुक कॉन्सेप्ट से नहीं है वो जस्ट अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम वो स्टेप करेंगे और करना क्या मैं आपको जस्ट पहले एक बता देता हूँ हम कर क्या रहे हैं हमारे पास कुछ रिलेशन जो है है ना वो आर का वो का इस फॉर्म में आएगा आएगा मैं आपको आए आपको बताऊंगा कैसे अभी जस्ट बता रहा ये एक पॉइंट ठीक तो यहां पर आर ए आर बी आएगा जो इनसे कट के हमारा रिलेशन सिंप्लीफाई करेंगे अब उस रिलेशन को अचीव करने के लिए ना हम एक रिलेशन बनाना पड़ेंगे मोडिफिकेशन करेंगे ठीक है कैसे करेंगे अब हमने कहा जी इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या कॉन्स्टेंट है अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी एक पॉइंट के लिहाज से होती है ये ये वाला पॉइंट होगा या ये वाला पॉइंट होगा ना हम ये पॉइंट लेते हैं ना हम ये पॉइंट लेते हैं हम इसके एवरेज ले लेते हैं एवरेज क्या हमारे पास ये मिड वाला पॉइंट ये आर यर क्या ये एवरेज है इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं हम मिड पर बात कर लेते हैं आर पे है ना तो आर क्या हमारा जो है वो यहां पर एवरेज है तो यहां पर हम लिख लेते हैं भाई आर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय लिख देता हूं मैं यहां पर टू दैट इज इक्वी नंबर ए ठीक है और ये डेल्टा आर एंड डेल्टा आर इसको अब सिंपली आप देखें अगर हम तो देखिए ये हमारे पास एक लेंथ है जिसको मैं कह देता हूँ जी ये आर बी है उसमें से एक लेंथ ये है ये है आर ए अगर इस आर बी में से मैं इतनी आर ए निकाल दूंगा तो पीछे मेरे पास क्या बचेगा ये वाला पोर्शन बनेगा जिसको मैं डेल्टा आर से डिनोट करता हूँ सो आर बी माइनस आर ए इज इक्कुल टू डेल्टा आर सो लेंथ वाइज देखा जाए तो मेरे पास जो डेल्टा आर है वो किसके इक्वल है जी आर बी माइनस आर ए ठीक है यह आगे मेरे पास इक्वेशन नंबर बी ठीक है इन दोनों को ना आपने इस्तेमाल करना है और इस आर स्क्वायर की मॉडिफिकेशन करनी है यह आपका स्टेप नंबर वन था मैं साथ में स्टेप लिख देता हूँ ठीक है ताकि आपको याद रहे स्टेप नंबर वन है आपका ये ओके ये आपने लिख दिया ओके ऐसा लिखने के बाद आप स्टेप टू क्या है जी आपका स्टेप टू लिखिए जी स्टेप टू स्टेप टू में आपने क्या करना है यहां से आर बी की वैल्यू निकाल के इसके अंदर आपने पुट कर देनी है ठीक है तो स्टेप टू में आपने ये कर लेना है भाई आपके पास ये जो आर बी है आर बी किसकी इक्वल जी डेल्टा आर प्लस आर ए ये वैल्यू आपने पुट करनी है किसके अंदर इस आर ए इक्विजन के अंदर इस ए इक्वेशन के अंदर चलिए यहीं पर करते हैं ऐसे हम ऐसे ठीक है पुट वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू पुट करनी है हमने आर बी आर बी इन इक्वेशन कौन सी वाली इक्वेशन में ए के अंदर ए ठीक है अच्छा कर लेते हैं पोटा हम इसको तो ये बन जाएगा ये जा मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है आर तो यहाँ लिखूंगा मैं आर इज इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी की जगह पे लिखूंगा ये वैल्यू उसकी वो क्या है मेरे पास आर ए प्लस डेल्टा आर और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास टू आ जाएगा अब देखो एप्पल प्लस एप्पल क्या होता है टू एप्पल होता है ना सरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको आप एप्पल प्लस एपल टू एपल तो टू आर ये हो गया प्लस ये हो जाएगा जी डेल्टा आर टू दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है मैं अलग अलग इनके नीचे ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ तो टू टू से कट जाएगा राइट तो so, ये मेरे पास आर की वैल्यू आएगी आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय टू है ना लेकिन मुझे क्या करना है आर स्केयर की वैल्यू पुट करनी है so, तो टेकिंग स्केर ऑन बोथ साइड स्टेप थ्री स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर थ्री में आपने दोनों तरफ स्केयर लेना है इधर भी स्केयर ले लिया आपने और इधर भी आर ए प्लस डेल्टा आर बाय टू इधर भी आपने स्केयर ले लिया ओके तो आपको ये मिल जाएगा आर स्क्यर इज इक्वल टू यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं आर इज इक्वल टू आर स्क्र इज इक्वल टू अब देखिए जी इसका स्केयर लेते हैं ए प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई होगा उसके मुताबिक जो है वो ए का स्केयर बनेगा ये प्लस बी का स्केयर यानी डेल्टा आर बाय टू इस पूरे का स्केयर प्लस टू ए भी होता है तो टू आर ए इंटू डेल्टा आर बाय टू सही हो गया अब देखिए जी आर का स्केयर सिम्प्लीफाई करेंगे आर ए का स्केयर अब डेल्टा आर जो है ना डेल्टा आर डेल्टा आर का मतलब होता है स्मॉल चेंज ठीक है डेल्टा हमेशा स्मॉल चेंज को शो करता है तो स्मॉलर वैल्यू को अगर आप उसका स्केयर लेंगे तो वो और भी स्मॉलर हो जाती है इस बेस में हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं लाइक अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखिए जीरो पॉइंट फाइव इज अ नंबर इसका स्केर लेंगे तो जीरो पॉइंट टू फाइव बन गया यानी और छोटा हो गया बात समझ रहे हैं तो अब छोटी वैल्यू का स्केल लेते हैं तो वो और भी छोटी हो जाती है दैट्स वाई हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे निगलेक्ट कर देंगे इसकी जगह पे आप जीरो लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे बेशक आप साथ में निग्लेक्टिंग डेल्टा आर जो है इज वेरी वेरी स्मॉलर तो स्केरल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज आल्सो वेरी स्मॉल दैट्स वाई वी आर निग्लेक्टिंग ऐसा लिखने साथ आप अगर लिखना चाहते हैं वरना डायरेक्ट भी कर दें कोई इशू नहीं है टू इस टू से कट जाएगा तो आर ए इन टू डेल्टा आर है अभी भी ये रिलेशन हमारे पास उस फॉर्म में नहीं है जैसा हम चाहते हैं है ना तो अब क्या करेंगे जी स्टेप नंबर फोर स्टेप नंबर थ्री हो गया हाँ स्टेप नंबर फोर ये स्टेप फोर स्टेप फोर में आपने ये करना है ये डेल्टा आर की वैल्यू अगेन पुट करनी है आर स्केयर इज इक्वल टू आर ए का स्केयर प्लस आर ए इन टू यहाँ पर डेल्टा आर की क्या वैल्यू थी डेल्टा आर की वैल्यू यह लिखी है आर बी माइनस आर ए तो यह लिखेंगे हम आर बी माइनस आर ए तो बच्चों ये बन जाता है आर ए का स्केयर प्लस आर ए आर बी माइनस आर ए का स्केयर स्केयर पॉजिटिव आर एक स्केर नेगेटिव ऐसे कट आपस में आर स्केर हमारे पास आ जाएगा ये आ गया हमारे पास वो फाइनल रिलेशन ओके okay अच्छा अब वो हम जो चाहते थे ना रिलेशन बनाना जो मोडिफिकेशन करना चाहते थे वो मोडिफिकेशन हमने कर ली ये स्टेप्स जो है ना ये जस्ट आपकी कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए है इसके अलावा इसका और कोई कंसेप्ट से ताल्लुक नहीं है सही है तो अब हमने ये आर स्केयर की वैल्यू जो है वो मॉडिफाई करना सो इक्वेशन वन बिकम सो इक्वेशन वन ठीक है One, कैसी ये लिखा VA -VB, लिखता हूं मैं इक्वल्स क्या था आरबी माइनस आर ए बाई आर का स्केर था तो अब क्या होगा आर बी माइनस आर ए और डिवाइडेड बाय आएगा आर स्केर की जगह पर लिखेंगे आर ए आर बी अब देखो अब अगर आर स्केल होता तो इनसे कट नहीं सकता था अब ये इनके साथ कटिंग हो सकती है सिंप्लीफाई हो सकता है तो मैंने बताया था कि इस सारे स्टेप का जो पर्पस था ना वो सिर्फ यही था आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाना ये दो तीन स्टेप्स हैं आपके पास ठीक है अच्छा जी तो यह आएगा माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्स और उसके बाद आप इन दोनों को ना अलग अलग डिवाइड कर दो आर बी डिवाइडेड बाय आर ए आर बी माइनस R A by R A and R B आ गया। अब ये कटिंग होगी। क्या हमारे पास Q 4 pi और बच्चों आर बी आर बी से कट गया तो बच गया हमारे पास वन ओवर आर ए माइनस आर ए आर ए से कट गया तो बच गया वन ओवर आर बी आ गया ये आ गया जी हमारे पास रिलेशन है ठीक है अच्छा अब हमने जो है वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना होने की वजह से ये दो पॉइंट को बहुत ज्यादा करीब करीब रखा था और उसकी हेल्प से ना हमने एक मैथमेटिकल रिलेशन जो है ये ड्राइव करके यहाँ पर ये रख लिया ठीक है लेकिन असल में हमने क्या करना है अगर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के उस पॉइंट तक लाना है तो आपका बी पॉइंट जो है ना वो कहाँ पर होना चाहिए इन्फिनिटी पर इंफिनिटी से उठा के आप ए पर लाओगे तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे जो पॉइंट है हमारे पास सर ये है ना पॉइंट uh, जो बी है ना आर बी ये वाला बी पॉइंट ठीक है वो आप क्या करेंगे जी इज एट इनफिनिटी वो इनफिनिटी पर है अगर ये इनफिनिटी पर है तो आर बी यानी वो डिस्टेंस इसका चार्ज कितना होगा वो इन्फिनिटी होगा है ना क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए लाजमी है कि आप चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से नहीं लेके आना तो ये जो हमने किया ये जस्ट उसको दो पॉइंट की रिक्वेखे एक मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव कर लिया अब आपको उसके अंदर मोडिफिकेशन करनी है आर को कहां से लेके आना है बी होना चाहिए इन्फिनिटी पर इंफिनिटी से चार्ज को लेकर आना है हमने तो बच्चों पुट करो जी वैल्यूज आप ठीक है आर बी आपका क्या बन जाएगा इन्फिनिटी बन जाएगा तो अब यहां पर लिखता हूं वी ए ठीक है माइनस वी बी वी बी है पोटेंशियल एट पॉइंट बी अब देखो जी ये B पॉइंट जो है वो हमारा इंफिनिटी पर है इंफिनिटी पर होने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होता है उसके पास जीरो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज अगर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा जीरो होगा ना है ना मैं बताता हूँ देखो ये मैंने बताया था ना ये वी क्या है वी आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इफ देर इज नो पोटेंशियल एनर्जी चार्ज फील्ड से आउटवर्ड है बाहर है इंफिनिटी पर है कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है जीरो बाय क्यू हो क्या होगा जीरो तो इसलिए मैं यहां पर इसको जीरो पुट करूंगा समझ गए बात समझ गए कुछ बच्चे क्या करते हैं बी के साथ इंफिनिटी लिखा तो यहां पर इंफिनिटी पुट कर इंफिनिटी नहीं पुट करना अगर चार्ज इंफिनिटी पर है तो उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है वो फील्ड से बाहर है पोटेंशियल एनर्जी ना होने का मतलब उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है तो यहां पर आप जीरो पुट करेंगे ओके तो ये बन जाएगा जी हमारे पास क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन से आठ ठीक है और यहां पर आप कर देंगे जी वन ओवर आर ए माइनस वन ओवर इंफिनिटी तो बच्चे वन ओवर इंफिनिटी क्या होती है आपके पास जीरो होता है ये क्या बन जाएगा पूरे का पूरा जीरो मैं इसको ब्लू से करता हूँ ऐसे ताकि आपको पता लगे भी ये वन ओवर इंफिनिटी था और ये क्या बन जाएगा ये जीरो बन जाए यहां पे लिखता हूँ यहां पे जीरो करता हूं मैं इसको, ठीक है वन ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो होता है अब वी यानी पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ए इज एक टू क्या बन गया क्यूब आई फोर पाई आर और उसके साथ क्या आ गया वन ओवर आर ए ठीक है ये आर ए ठीक है ना तो बच्चों ये आ गया जी हमारे पास इस पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब जनरली अगर आप इसको लिखना चाहते है हैं तो ए भी साथ में खत्म कर दें सिंपली आप कह सकते हैं भाई वी जो है वो हमारे पास किसके एक्ल होता है जी ये होता है आपके पास क्यू बाई फोर पाई एप्सिले ये वाला क्यू बाई फोर पाई एप्सिलन और साथ में जो आर ए था उसको सिंपली आप क्या लिख दें जी आर लिख दें ऐसे ठीक है अच्छा अब आपको ये पता होगा भाई आपके पास जो के होता है वो किसके इक्वल होता है के आपके पास होता है जी वन बाय फोर पाई एप्सिलन आर के अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं तो आपके पास ये वी इज इक्वल टू बन जाएगा क्यू ठीक है इन टू पाई एप्सिलन आर अलग कर दिया और वन ओवर R को आप अलग कर दो ये क्या बन जाएगा के है ना सो वी इज इक्वल टू आ जाएगा यहां पर इसकी जगह पर के क्यू ओवर आर ओके आ गया हमारा वो फाइनल रिलेशन ओके okay? तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है ये किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं अल्लाह हाफिज